इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम किसी बंदे को कॉल मिलाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है नो सिम और सिम एरर। तो ये नो सिम और सिम एरर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए इतना पार्ट जो है आपको समझ में आ रहा होगा, नो सिम के सिम नहीं है, एंड ये अदर्स का पार्ट सिम एरर क्या है और कॉलिंग मिलाते टाइम ही क्यों आता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड कर दूँ कि ये जो जितना भी प्रोसेस मैं कर रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता है कि कॉल काटूँगा तो आपको शो भी नहीं करेगी ये। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये होता कैसे है। देखिए जैसे हम यहाँ पर कभी कॉल मिलाते हैं एग्जैक्टली इसी टाइम पर, और क्या होता है कि हमारा जो सिम है यहाँ से एकदम बंद हो जाता है, या फिर नो सर्विसेज में चला जाता है, या फिर हमारा जो यहाँ पर सिम स्लॉट है वो वर्क नहीं करता है। जैसे देखिए यहाँ पर एकदम इसको हम क्लिक करके निकालते हैं तो क्या होता है कि एकदम जो है अगर हम कॉलिंग वगैरह को मिलाते हुए होते हैं तो वो इस तरीके से ही दिखा देता है। अब सिचुएशन चाहे जैसी वो डिपेंड करता है कि आप कॉलिंग किस टाइम पर मिला रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर हम कॉलिंग मिलाते हैं किसी भी नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी नंबर पर कॉलिंग मिलाएंगे जैसे, तो ये जो है यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नॉट अवेलेबल दिखाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, प्रॉपर नेटवर्क आने देते हैं यहाँ पर, और जब इसके बाद हम कॉल मिलाएंगे इसी नंबर पर, और जब देखिएगा कि क्या दिखाता है ये आपको। देखिए यहाँ से हम कॉल लगाने को तैयार हैं और यहाँ पर हम अपनी पिन को भी एंटर कर देते हैं जिससे कि हम हाथों हाथ इसको निकाल सकें। तो हम जैसे ही कॉल देखिए इस तरीके से यहाँ पर दिखा दिया, तो ये इतना जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है कि पता ही नहीं चलता। तो अब इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको कभी भी अगर इस तरीके से दिखाए तो अपनी सिम को साफ़ करना है, आपको निकाल लेना है अपने इसमें से, सिम ट्रे को साफ़ कर लेनी है। कुछ भी कार्बन वगैरह आपके सिम पर या कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, एंड आपका जो है हमेशा ही सिम अगर ऐसा दिखाता है तो कस्टमर केयर पर बात कर लेनी है ज़रूर से। अगर कोई सर्विसेज बंद हो जाती है तो वो आपको रिएक्टिव करवानी पड़ती है, तो तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। बाकी अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।